बिग बॉस 18 के घर के अंदर शिल्पा के बड़े धोखे के बाद करणवीर मेहरा की हुई टाइम गॉड टास्क में हार, लेकिन करणवीर मेहरा को मिला पुराने दोस्त विविन दिसेना का साथ। विविन दिसेना ने यहां पूरी तरह से करणवीर मेहरा का साथ देते हुए शिल्पा के घमंड को चकनाचूर करते हुए यहां पर बताया ऐसा सच जिसकी वजह से यहां पर पूरी तरह से ईशा को लगने वाला है दोस्तों सबसे बड़ा झटका। वैसे तो विविन दिसेना जो है उनकी टीम में ईशा है, लेकिन ईशा को भी उन्होंने एक तरीके से हम बताएं दोस्तों आईना दिखा दिया दोस्तों। टाइम गॉड यहां पर कोई और नहीं बल्कि बताना चाहते हैं दोस्तों विविन दिसेना ने उसकी सारी की सारी पावर्स जो हैं यहां पर दे दी है किसी और को नहीं बल्कि करणवीर मेहरा को। विविन दिसेना के अकॉर्डिंग जो है करणवीर मेहरा को टाइम गॉड होना चाहिए था। अब ऐसा विविन दिसेना ने कौन सा सच बताया है जिसकी वजह से यहां ईशा को भी झटका लगा है, शिल्पा को भी झटका लगा है, शिल्पा का घमंड को भी चकनाचूर जो है वो पूरी तरह से हो गया है। यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में, यही बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर जो है शिल्पा शिरोडकर ने एक बार फिर धोखा दिया करणवीर मेहरा को। करणवीर मेहरा और एडिन की जीत होने वाली थी टाइम गॉट अ टास्क में, लेकिन शिल्पा ने गलत डिसीजन लिया और प्रायोरिटी लिस्ट में करणवीर मेहरा के ऊपर रखा ईशा को और ईशा को बना दिया टाइम गॉड। अब बताना चाहते हैं दोस्तों जिसके बाद ईशा को टाइम गॉड बनाने के बाद शिल्पा जो है तरह तरह के एक्सप्लेनेशन दे रही थी, लेकिन करणवीर मेहरा को पता है कि ईशा मतलब शिल्पा जो है वो एक धोखेबाज है और शिल्पा एक नागिन है सबसे बड़ी। लेकिन उन्होंने एक सवाल किया यहां शिल्पा से कि आखिरकार मेरे ऊपर ईशा की ईशा को आपने प्रायोरिटी लिस्ट में कब रख दिया। ये बात जो है वो पूछा और विविन दिसेना को समझ में आता, लेकिन ईशा भी मेरे से ऊपर चले गए। इस पर जो है शिल्पा के पास कोई जवाब नहीं रहता है। इसके बाद सुबह सुबह होती है और लगभग 5 से 6 घंटे तक करणवीर मेहरा इस टास्क को परफॉर्म करते हैं और करणवीर मेहरा के पास सुबह सुबह आकर शिल्पा नौटंकियां करते हुए दिखाई देती हैं और ड्रामा करते हुए शिल्पा यहां पर पूछते हुए नजर आती हैं करणवीर से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यहां पर आप ठीक हो, तुमने 4 से 5 घंटे तक इस टास्क को परफॉर्म किया, तुम्हारा पैर जो है वो ठीक है, ये बात जो है वो बोलती है। तभी विविन दिसेना जो है वहां पर आते हैं और विविन दिसेना बोलते हैं शिल्पा के घमंड को चकनाचूर करते हुए नजर आते हैं और करणवीर से कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुझे धोखा देगी, तुझे फिर से धोखा दे दी और अब तो हमें इसका पत्ता जो है वो काटना होगा। और शिल्पा जो है यहां पर हंसते हुए नजर आती है बेशर्मों की तरह। इसके बाद विविन दिसेना यहां पर बोलते हैं शिल्पा को कि करणवीर मेहरा जो है इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मर्द का बच्चा है और उसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये बात जो है वो बोलते हैं यहां पर पूरी तरह से हमारे विविन दिसेना। करणवीर उनके पुराने दोस्त है तो उनको वो काफी अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दिया और ये स्टेटमेंट जैसे ही उन्होंने दिया वैसे ही यहां पर शिल्पा का चेहरा जो है पूरी तरह से उतर गया और शिल्पा जो कि सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी मतलब पूछ कर कि करणवीर तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो, तो इस पर जो है शिल्पा का मुंह जो है पूरी तरह से उतर गया जब विविन दिसेना ने ये सच्चाई जो है वो बताई। और विविन दिसेना ने यह भी बोला कि मैं सालों से इसे जानता हूं, इसकी जिंदगी में बहुत सारे तूफान आए लेकिन भी ये खड़ा है, स्ट्रांगली खड़ा है, ये बात जो है वो कहते हुए नजर आए। अब यहां पर उन्होंने ये भी बात बोली कि टाइम गॉड टास्क में तो आपने शिल्पा जी ने धोखा जरूर दिया, वो टाइम गॉड टास्क जो है वो जीत जाता करणवीर मेहरा, ये बात जो है वो बोला। अब यहां पर झटका लग गया ईशा को भी क्योंकि ईशा टाइम गॉड बनी थी और शिल्पा ने ईशा को सपोर्ट किया था और ईशा को टाइम गॉड बनाया था और विविन दिसेना भले ही ईशा को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उनका दिल जो जानता है वो ये है
सच्चाई जानता है कि करणवीर मेहरा ही टाइम गॉड बनते, ये बात जो है वो जानते थे दोस्तों, और उन्होंने ये सच जो है बता दिया। और जैसे ही ये सच बताया तो यहाँ पर पूरी तरह से होश उड़ गए यहाँ ईशा के, जो कि टाइम गॉड थी, और ईशा को तो सबसे बड़ा झटका जो है यहाँ पर लग गया दोस्तों ये बात सुनते ही। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बिग बॉस 18 के घर के अंदर। सो प्लीज़ हमें अपने कमेंट के जरिए ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारी YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब आप करना ना भूलें।